दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कुछ भी मैं हूँ या होने की आशा करता हूँ, उसका सारा श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब हम जवान होते हैं और प्यार और जीवन की पूर्णता के ख्वाब देखते हैं, तो अक्सर पेरिस की चांदनी रातों और ढलती शाम में समंदर के किनारे सैर की कल्पना करते हैं। हमें कोई नहीं बताता कि जिंदगी के सबसे अनमोल लम्हे तो अभी बीते जा रहे हैं अनजाने ही, और यूं ही अचानक वो लम्हे हमारे सामने आ जाते हैं, तब जबकि हम उनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। अभी कुछ ही दिन पहले माधुरी अपनी 7 साल की बेटी पिंकी को सोने से पहले कहानी सुना रही थी। अचानक माधुरी को एहसास हुआ कि पिंकी एक टक देख रही है। वो खोई हुई सी, मानो कहीं दूर से उसे देख रही थी, अपनी माँ को देख रही थी। शायद जैसा माधुरी ने सोचा था, स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स इस कहानी को खत्म करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था। माधुरी ने अपनी बेटी पिंकी से पूछा कि वो क्या सोच रही थी। बेटी धीरे से बोली, माँ, आपके सुंदर चेहरे से मेरी नजर हटती ही नहीं। माधुरी तो वहीं पिघल गई। शायद छोटी पिंकी नहीं जानती, उसकी प्यार भरी बातों की चमक माधुरी को उसकी माँ को आने वाले सालों की कितनी मुश्किल घड़ियों में सहारा देगी। इसके कुछ ही दिन बाद एक और घटना हुई, जब माधुरी अपने 4 साल के बेटे को एक शानदार डिपार्टमेंटल स्टोर में ले गई। अचानक एक खूबसूरत पुराने रोमांटिक सॉन्ग की धुन ने उनका ध्यान आकर्षित किया और वो वहां पे गिटार बजाते हुए एक संगीतकार की तरह खींचते चले गए। माधुरी और उसका बेटा अक्षय दोनों पास की एक बेंच पे बैठ गए और माधुरी का बेटा अक्षय भी उसकी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। उसे पता नहीं चला कि कब अक्षय उठकर खड़ा हो गया। वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा और उसके चेहरे को अपने नन्हे हाथों में लेकर बोला, माँ, मेरे साथ डांस करो। काश पेरिस की चांदनी रात में घूमती हुई वो औरतें जान पाती एक गोल मटोल दूध मुहे बच्चे से ऐसा निमंत्रण पाना कितना सुखद है। वहां खरीदारी करने वाले लोग उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे और इशारे कर रहे थे, और वो दोनों, माधुरी और उसका 4 साल का बेटा अक्षय, दोनों थिरकते हुए घूमते हुए नाच रहे थे। ऐसे हैंडसम लड़के के साथ डांस के इस मौके के बदले में अगर कोई माधुरी को सारा ब्रह्मांड भी दे तो वो ठुकरा देगी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है, नोट किया है कि बच्चे रोज हमें कुछ नया सिखाते हैं। एक पेरेंट की हैसियत से महिमा ने इसकी उम्मीद करना सीख लिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये जानकर हैरत होती है कि उसकी बेटी उसे किस हद तक सिखा सकती है। जब रेहा 6 महीने की थी तो ऐसा लगता था कि वो हमेशा ऊपर की तरफ निहारती रहती थी। जब उसने उसके साथ साथ ऊपर देखना शुरू किया तो उसने पेड़ों पे झूमते हुए पत्तों के जादू और जेट प्लेन की दुम की शानदार लंबाई के बारे में सीखा। 8 महीने की उम्र में रेहा हमेशा नीचे की तरफ देखती रहती है और उसकी माँ महिमा ने सीखा कि हर पत्थर अलग किस्म का है। पगडंडी पे पड़ी दरारें खूबसूरत बारीक डिजाइन बनाती हैं और घास की पत्तियों में कई तरह का हरा रंग होता है। और फिर रेहा 11 महीने की हुई और वाह कहने लगी। वो हर चीज को देखकर वाह कहती, जैसे बच्चों के डॉक्टर के ऑफिस में सजे खिलौने या तूफान से पहले घिरते हुए बादल। जिन चीजों से रेहा प्रभावित होती थी उन्हें देखकर भी वाह वाह कहती थी, जैसे उसके चेहरे को छूकर गुजरती हुई हवा या शोर करता हुआ पंछियों का झुंड। ये स्वरहीन शब्द वह बहुत ज्यादा अनोखी चीजों के लिए रिजर्व था। एक खूबसूरत दिन के बाद तालाब के किनारे ढलती शाम और आसमान में आतिशबाजी इनमें शामिल थे। रेहा ने अपनी माँ महिमा को कई तरह से आई लव यू कहना सिखाया है। एक दिन सुबह जब वो 14 महीने की थी, वो उसकी बाहों में दुबकी हुई थी। उसने उसके कंधे में अपना सर छुपाया और बड़ी संतुष्ट आवाज में बोली, खुश। एक और दिन जब वो 2 साल की थी, उसने एक मैगजीन पे बनी एक खूबसूरत मॉडल की तरफ इशारा करके कहा, माँ, क्या वो आप हैं? दोस्तों, रिसेंटली उनकी 3 साल की ये बेटी रेहा किचन में आई जहां महिमा खाने के बाद सफाई कर रही थी। रेहा ने पूछा, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? और थोड़ी देर बाद माँ की बाह पे अपना हाथ रखते हुए कहा, माँ, अगर आप बच्ची होती तो हम दोस्त होते। ऐसे लम्हों में
महिमा सिर्फ इतना ही कह पाती है, ओह वाह, सच कहा है, बच्चे हमारे लिए हमारी दुनिया का पुनर्निर्माण करते हैं। अपने बच्चों के साथ एक यादगार लम्हा बिताओ, प्यार दुलार भरा वो समय अनमोल होगा। उन बेशकीमती लम्हों के आगे खेल खिलौनों का भला क्या मोल होगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मेरी बच्ची ने रंगीन क्रेयॉन नन्हे हाथों में उठाया और बनाने लगी तस्वीर, मानो किसी ने सिखाया। मैं मुग्ध सा देखता रहा, पर कुछ दिया नहीं दिखाई। उन सीधी सरल रेखाओं की माया मैं समझ न पाया। तुम ये क्या बना रही हो, मैंने पूछा बनकर अनजान। मैं वो तस्वीर बना रही हूं जो है आसमान में भगवान, एक आह भरकर मैंने कहा, ईश्वर को कोई न पाया जान। वो बोली, तस्वीर बन जाने दो, सब जाएंगे मान। दोस्तों, एक शिशु के जन्म के बाद गुजारे गए पहले कुछ दिनों की सादगी भरी पनाह में इंसान एक बार फिर एक जादुई वलय का दीदार कर लेता है। दो लोगों के सिर्फ एक दूसरे के लिए ही जीने का एक चमत्कारी अनुभव। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रिंकी इस दुनिया में रानी की बाहों में स्वर्ग से उतर कर आई है। वो यानी रिंकी सीधे ईश्वर की ओर से आई है। वो एक ऐसा तोहफा है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जब माँ रानी उसे देखती है तो उसके चारों तरफ का माहौल जैसे अमन और पाकीजगी से भर जाता है। खुशी के आंसुओं के बीच रानी माँ उसके कानों में धीरे से कहती है, हम तुम्हें पाकर बहुत खुश हैं, तुम्हें देखने के लिए हमने बहुत इंतजार किया है। वो छोटी सी बच्ची द न्यू बॉर्न बेबी रिंकी अपनी आंखें खोलती है और रानी असीम जीवन से भरे एक अनंत पल में पहुंच जाती है। उसकी आंखों में रानी पाती है एक पूर्ण पहचान, असीम प्यार और विश्वास। रानी एक माँ है। उस घड़ी उसे एहसास हुआ और वो अपने दिल में जानती है कि उसे मार्गदर्शन देने के लिए उसे क्या क्या जानना चाहिए। बिस्तर पर लेटी हुई रिंकी अपने पिता और माँ रानी के बीच सोती है। दोनों माँ और बाप उसके हाथों और पैरों की उंगलियां गिनते हैं और इतने नन्हे से आकार की पूर्णता पे रोमांचित और हैरान होते हैं। वो देखते हैं कि किस किस तरह से वो उनकी तरह दिखती है और किस तरह कहने को कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग और दिल में विचार भरे हुए हैं उसके लिए उनकी आशाओं और सपनों के। वो क्या बनेगी, अपने साथ जिंदगी के कौन से तोहफे लाएगी और कैसे दुनिया पे अपना प्रभाव छोड़ेगी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अपनी न्यू बॉर्न बेबी रिंकी को देखने और जो प्यार और मिठास वो अपने साथ लाई है उसे महसूस करने भर से ऐसा लगता है कि दुनिया का तनाव और भार रानी और उसके पति के ऊपर से उठ गया है और जो कुछ भी दुनिया में खास और सच्चा है वो स्पष्ट हो जाता है, मानो वो दोनों किसी महान ऋषि की संगत में हों। आंखें बंद करके सो जाना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। जैसे जैसे दिन और साल गुजरते गए रानी उसके बदलते रूप को देखकर अचंभित हो जाती है। वो पहली मुस्कान, वो पहला शब्द, वो पहला कदम, सब कुछ जैसा उसने चाहा था, लेकिन उसके अपने समय से और खास अंदाज में। वो रानी को एक बार फिर से खेलना सिखाती है, अपनी रफ्तार को कम करके दुनिया को दोबारा देखना सिखाती है। जिन चीजों को रानी कभी देखा और जाना करती थी उनसे उनकी दोबारा पहचान कराती है। ये तो साफ है कि जितना वो समझ सकती है और याद रख सकती है वो आज उतना नहीं कर सकती और शायद कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, समय पंख लगाकर उड़ जाएगा। अचानक रानी की बेटी छोटी रिंकी बड़ी हो जाएगी, एक जवान वयस्क, दुनिया में अपनी उड़ान भरने के लिए और अपना मकसद पूरा करने के लिए। उसे आजाद छोड़ना बहुत दुखदाई होगा, लेकिन रानी जानती है कि उसकी बेटी रिंकी हमेशा उसके पास नहीं रहेगी। वो यहां पे आई थी उन्हें कुछ सिखाने, खुशियां देने, उन्हें पूरा करने और उन्हें ईश्वर से जोड़ने के लिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हर साल गार्गी के जन्मदिन पे रिवाज वही रहता। गार्गी की माँ पतझड़ के उन आखिरी दिनों में गार्गी से मिलने आती
और वो उनके लिए दरवाजा खोलती। वो सीढ़ियों पर खड़ी हुई मिलती और हवा उनके पैरों के चारों तरफ सूखे पत्ते उड़ा रही होती। हवा में ठंडक होती और मां के हाथों में गार्गी के लिए एक तोहफा होता। ये तोहफा हमेशा ही कुछ छोटा और अनमोल होता, कोई ऐसी चीज जिसकी उसे जरूरत थी लेकिन वो खुद भी नहीं जानती थी। मां के दिए इन तोहफों को गार्गी बड़ी सावधानी से खोलती और फिर बड़े एहतियात से अपनी सभी प्यारी चीजों के साथ सहेज कर रख देती। मां के हाथ के ये तोहफे कितने नाजुक थे। अगर आज गार्गी की मां उसके जन्मदिन पे आ पाती तो वो उन्हें अपने गर्माहट भरे आरामदायक किचन में लेकर आती, फिर दोनों साथ में चाय पीते और खिड़की पे पत्तों को खड़खड़ाते हुए देखते। गार्गी को तोहफे को खोलने की कोई जल्दी नहीं होती क्योंकि आज दरवाजा खोलने पे उन्हें वहां पाना ही गार्गी के लिए तोहफा है और हवा उनके पैरों के चारों तरफ सूखे पत्ते उड़ा रही होती। दोस्तों, चमत्कार एक पल में हो जाते हैं, उनको बुलाया नहीं जा सकता लेकिन वो खुद ही आते हैं, अक्सर बेतुकी घड़ियों में और उनके लिए जिन्हें इनकी कतई उम्मीद नहीं होती। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हर लम्हा अहम होता है और हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि ये लम्हे गुजरते जाते हैं, फिसलते जाते हैं। आशा की बेटी महक हवा में उड़ते चील के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, मम्मी देखो। आशा दिन भर के काम की उलझन में खोई हुई बुदबुदाई, महक के चेहरे पे निराशा छा गई। आशा ने उसी खोए हुए अंदाज में कहा, क्या हो गया महक? आशा की 7 साल की बेटी महक बोली, कुछ नहीं। वो लम्हा अब खो चुका था। घर के नजदीक पहुंचने पे उन्होंने उस हिरन को देखने के लिए अपनी कार धीमी कर दी जो अक्सर शाम को पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकल आता है, लेकिन आज वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आशा ने कहा, शायद आज रात को उसे बहुत काम करना है। सोने के वक्त तक का समय रात के खाने नहाने और फोन कॉल में निकल गया। चलो महक, सोने का वक्त हो गया है। महक आशा के पास से दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। थकी हारी आशा ने उसके गालों को चूमा, प्रार्थना की और उसे सुलाया। अचानक महक बोली, मम्मी मैं आपको कुछ देना भूल गई। आशा का धीरज खत्म हो चुका था। उसने कहा, तुम मुझे सुबह दे देना। लेकिन उसकी बेटी महक ने सर हिलाते हुए कहा, सुबह आपके पास समय नहीं होगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सोने से पहले महक ने अपनी मां आशा से कहा, मम्मी मैं आपको कुछ देना भूल गई। लेकिन आशा का सब्र खत्म हो चुका था। उसने कहा, तुम मुझे सुबह दे देना। लेकिन महक ने सर हिलाते हुए कहा, सुबह आपके पास समय नहीं होगा। आशा ने रक्षात्मक तरीके से जवाब दिया, मैं समय निकाल लूंगी। कभी कभी चाहे आशा कितनी ही कोशिश करती लेकिन फिर भी समय उसके हाथों से ऐसे फिसल जाता था जैसे टाइमर से रेत। समय उसके लिए कभी भी काफी नहीं होता था, उसकी बेटी के लिए उसके पति के लिए कभी काफी नहीं होता था और उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन महक अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से से अपनी छोटी सी नाक चढ़ाई और अपने भूरे बालों को पीछे किया और बोली, नहीं आप समय नहीं निकालेंगी, कल भी आज ही के जैसा होगा। जब मैंने आपको चील देखने के लिए कहा था आपने मेरी बात सुनी तक नहीं थी। आशा इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि बहस नहीं कर पाई। वैसे उसकी बेटी महक सच्चाई के बहुत करीब थी। उसने जोर से दरवाजा बंद करते हुए कहा, गुड नाइट। लेकिन बाद में जब वो सोच रही थी कि महक के बड़े होकर चले जाने तक उनके पास कितना समय है, उसकी आंखों के आगे उसकी नीली आंखें घूम गईं। आशा के पति ने उससे पूछा, इतनी सीरियस क्यों हो? तब आशा ने उन्हें बताया, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हर लम्हा महत्वपूर्ण होता है लेकिन हम कई बार उन खास लम्हों को यूं ही खो देते हैं। यही बात हुई
आशा के साथ, जब उसकी बेटी महक उसके साथ कुछ समय गुजारना चाहती थी, कुछ शेयर करना चाहती थी। आज वो बहुत सीरियस थी। उसके पति ने उससे पूछा, इतनी सीरियस क्यों हो? आशा ने उन्हें बताया। तब उन्होंने कहा, हो सकता है अभी तक महक सोई ना हो, तुम जाकर देख क्यों नहीं लेती? उन्होंने एक पेरेंट के पूरे हक के साथ कहा। आशा ने सोचा, काश ये ख्याल मुझे आया होता। ये सोचते हुए वो बेटी के कमरे की तरफ चल दी। आशा ने धीरे से दरवाजा खोला और खिड़की से आती हुई रोशनी बेटी महक के सोए हुए आकार पे फैल गई। आशा को दिख रहा था कि उसकी बंद मुट्ठी में मुड़ा हुआ एक कागज था। उसने ये जानने के लिए उसकी मुट्ठी हल्के से खोली कि आखिर उनकी लड़ाई का सबब क्या था। आशा की आंखों में आंसू आ गए। महक ने दिल के आकार के एक लाल रंग के कागज को फाड़ दिया था, जिस पे उसने एक कविता लिखी थी, मैं अपनी मां से प्यार क्यों करती हूं। आशा ने बड़ी सावधानी से उन टुकड़ों को बटोरा। जब वो सारे टुकड़े सही क्रम में लग गए तो उसने अपनी बेटी महक की लिखी कविता पढ़ी, मैं अपनी मां से प्यार क्यों करती हूं। मैं अपनी मां से प्यार क्यों करती हूं, हालांकि आप बिजी हैं और बहुत मेहनत करती हैं, फिर भी समय निकाल खेलती हैं मेरे संग। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं मम्मी, क्योंकि आपके बिजी दिन का सबसे बड़ा हिस्सा मैं ही तो हूं। ये शब्द सीधे आशा के दिल पे तीर की तरह लगे। 7 साल की इस बच्ची में सोलोमन जैसा विजडम था। 10 मिनट बाद आशा एक ट्रे लेकर महक के कमरे में गई, जिसमें 2 कप गरम चॉकलेट, 2 पीनट बटर और जेली सैंडविच थे। जब उसने महक के मखमली गालों को नरमी से छुआ तो दिल में प्यार का सागर उमड़ पड़ा। एक सुखमय गहरी नींद से उठ जाने की वजह से महक की घनी पलकें झपक रही थीं। इतनी रात को इस तरह मम्मी के आने पे महक कुछ हैरान सी थी। उसने पूछा, ये सब किस लिए है? तब माँ आशा ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरे बिजी दिन का सबसे बड़ा हिस्सा हो। महक मुस्कुराई और ऊँगते हुए आधा कप चॉकलेट पी गई। फिर वो दोबारा सो गई, बिना ये जाने कि मम्मी ने जो कहा था उसे वो सचमुच कितनी गहराई से महसूस कर रही थी। दोस्तों, जिंदगी के इन खूबसूरत लम्हों को फिसलने मत दें। दोस्तों, कोई भी भाषा एक मां के प्यार की ताकत, सुंदरता और बहादुरी को व्यक्त नहीं कर सकती। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ये बात है इंडीज की। इंडीज में 2 ट्राइब्स थे, 2 जनजातियां थी जो हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। एक जनजाति निचले इलाके में रहती थी और दूसरी पहाड़ों के ऊपर। एक दिन पहाड़ के लोगों ने निचले लोगों पर हमला बोला और अपनी लूट के रूप में उन्होंने निचले लोगों के एक नन्हे से बच्चे को उठा लिया और उसे अपने साथ पहाड़ों पर ले गए। निचले इलाके के लोग पहाड़ों पर चढ़ना नहीं जानते थे, उन्हें पहाड़ी लोगों की कोई भी तकनीक नहीं मालूम थी और न ही उन्हें यह मालूम था कि उन पहाड़ी लोगों को कहां ढूंढा जाए या उन ऊंचे इलाकों में उनका सुराग कहां लगाया जाए। लेकिन उस नन्हे से बच्चे को तो ढूंढना था। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन और बहादुर आदमियों के एक दल को भेजा कि वो लोग पहाड़ों पे जाएं और उस नन्हे बच्चे को घर ले आएं। बहादुर आदमियों का वो दल क्या उस नन्हे बच्चे को घर ले आया? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बहादुर आदमियों का एक दल उस बच्चे को ढूंढने निकला। उन आदमियों ने पहले पहाड़ पे चढ़ने का एक तरीका अपनाया और फिर दूसरा। वो कभी एक रास्ते से गए तो कभी दूसरे रास्ते से,
लेकिन कई दिनों की कोशिश के बाद भी वो कुछ 200 फीट ही ऊपर चढ़ पाए। हताश और निराश होकर आखिर निचले इलाके के लोगों ने ये फैसला किया कि अब कुछ नहीं हो सकता था और वो वापस नीचे गांव की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। जब वो नीचे उतरने के लिए अपना सामान बांध रहे थे तो उन्होंने उस नन्हे बच्चे की मां को अपनी ओर आते हुए देखा। उन्हें एहसास हुआ कि जिस पहाड़ पे चढ़ने का उन्हें उपाय तक नहीं सूझा था वो उस पहाड़ से उतर कर आ रही थी। और फिर उन्होंने देखा कि उसका बच्चा उसकी पीठ पे बंधा हुआ था। लेकिन ये कैसे हुआ? एक आदमी उसका स्वागत करते हुए बोला, हम तो इस पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाए। जब हम अपने गांव के सबसे ताकतवर और काबिल लोग ये काम नहीं कर पाए तो तुमने कैसे कर लिया? उस बच्चे की मां ने अपने कंधे उचकाए और बोली, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं था ना। दोस्तों, ये है प्यार की ताकत। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, पेरेंट होने के नाते हम बच्चों में ऐसे गुणों का विकास करने की उम्मीद करते हैं जो उनके जीवन में सफलता को और बढ़ाएं। जब नीलाक्षी की सबसे बड़ी बेटी ईशा का सामने का दांत टूटा तो उन्हें उस छोटे से दांत के साथ लिपटा हुआ ये नोट मिला। उसमें लिखा था, प्रिय दंत परी, मुझे अपनी जादू की छड़ी दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, मैं भी एक दंत परी बनना चाहती हूं। प्यार, ईशा। ईशा के अंदर छुपी लीडरशिप क्वालिटीज की शक्ति को पहचानते हुए दंत परी ने उसे कुछ सिखाने के सही मौके का फायदा उठाते हुए नन्ही ईशा के लिए ये नोट लिखा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, ईशा का सामने का दांत टूट गया तो उसने दंत परी को एक चिट्ठी लिखी। जवाब में दंत परी ने ईशा को यूं लिखा, डियर ईशा, मैंने एक अच्छी दंत परी बनने के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। तुम अभी इस काम के लिए छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी नहीं दे सकती, लेकिन अपने आप को इस काम के लिए तैयार करने के लिए तुम कुछ बातों पर ध्यान देना शुरू कर सकती हो। एक, जो भी काम करो उसे अपनी क्षमता अनुसार सबसे बेहतर करो। दो, सब लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे व्यवहार की अपेक्षा तुम अपने प्रति रखती हो। तीन, दूसरों के लिए दयावान और मददगार बनो। चार, जब लोग तुमसे बात करें तो उन्हें ध्यान से सुनो। एक दिन जब तुम और बड़ी हो जाओगी और इस काम के लायक हो जाओगी तब मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। बेस्ट विशेस, ईशा की दंत परी। दंत परी का जवाब पाकर ईशा पे क्या असर हुआ? दोस्तों, दंत परी ने ईशा को चिट्ठी में लिखा था, जो भी काम करो उसे अपनी क्षमता अनुसार सबसे बेहतर करो, सब लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे व्यवहार की अपेक्षा तुम अपने प्रति रखती हो, दूसरों के लिए दयावान और मददगार बनो, जब लोग तुमसे बात करें तो उन्हें ध्यान से सुनो। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दंत परी का जवाब पाकर ईशा झूम उठी। उसने संदेश को बहुत सीरियस ले लिया और निर्देशों का सावधानी से पालन किया। जैसे जैसे ईशा बड़ी होती गई वो अपने को और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगी। उसका कैरेक्टर, उसकी शक्ति और उसका लीडरशिप टैलेंट उसके साथ साथ ही बढ़ते गए। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद ईशा ने मैनेजमेंट में एक चैलेंजिंग पोजीशन एक्सेप्ट कर ली। उसमें वो लाजवाब रही और 27 साल की उम्र में वो एक कंपनी की टॉप ऑफिसर बन गई। एक दिन ईशा और मैं उसकी सफलता के बारे में बात कर रहे थे। उसने मुझे बताया कि उनके कंपनी के चेयरमैन ने एक बार उससे पूछा था कि उसे सफलता की ओर किसने मोटिवेट किया था। मैंने ईशा से पूछा, तुमने चेयरमैन को क्या बताया? ईशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुजन ने और मेरे दोस्त ने, और यकीनन
मेरी दंत परी ने। दोस्तों, ईशा के अंदर छुपी लीडरशिप कला की शक्ति को पहचानते हुए दंत परी ने उसे कुछ सिखाने के सही मौके का फायदा उठाते हुए उस नन्ही ईशा को वो जो नोट लिखा था उसका गहरा असर ईशा पे हुआ था। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक माँ को श्रद्धांजलि, चाहे वो मेरी माँ भाग्यवंती हो या आपकी माँ, ये श्रद्धांजलि है हर माँ को। माँ, आपके कोमल मार्गदर्शन का असीम प्रभाव इन सभी कामों पे पड़ा है जो मैंने किए थे, करता हूं और आगे करूंगा। जो मैं था, जो मैं हूं और आगे रहूंगा, उस पे आपकी प्यारी अंतरात्मा की अमिट छाप है। इसलिए मेरी माँ, मेरा हर काम और जो कुछ मैं बनूंगा उसमें आपकी भागीदारी रहेगी। और इसलिए जब मैं अपने पड़ोसी की मदद करता हूं, इसमें आपका हाथ भी होता है। जब मैं किसी दोस्त का दुख बांटता हूं, वो आपका ऋणी हो जाता है। जब मैं किसी बच्चे का मार्गदर्शन करता हूं, चाहे शब्दों से या काम से, तब गैर मौजूद होकर भी आप ही वास्तव में उसकी शिक्षक हैं। क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें आपसे सीखे हुए मूल्य नजर आते हैं। किसी गलती को मैं सुधारता हूं, किसी दिल को रोशन करता हूं, कोई उपहार बांटता हूं या किसी का बोझ हल्का करता हूं, तो ये सब एक छोटा सा प्रयास है आपको श्रद्धांजलि देने का। क्योंकि आपने मुझे जीवन दिया और उससे भी महत्वपूर्ण जीवन को जीने की शिक्षा दी। माँ, आप ही वो स्रोत हैं जिससे वो तमाम अच्छी बातें झरती हैं जिन्हें मैं इस जीवन में इस धरती पे हासिल करूंगा। जो कुछ भी आप हैं और जो कुछ भी मैं हूं, उसके लिए माँ, माँ भाग्यवंती, आपका शुक्रिया। माँ का प्यार भरा स्पर्श करोड़ों शब्दों के बराबर होता है। दोस्तों, एक माँ का प्यार वृत्त की तरह होता है, न इसका कोई आदि है न अंत। ये चारों तरफ फैलता जाता है और संपर्क में आने वाले हर एक को प्रभावित कर देता है। सुबह की धुन की तरह ये सबको अपने में समेट लेता है, दोपहर की धूप की तरह सबको गर्माहट देता है और सांझ के तारों भरे आसमान की तरह सबको साया भी देता है। एक माँ का प्यार वृत्त की तरह होता है, न इसका कोई आदि है न अंत। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बचपन के वो दिन जब मिट्टी में खेलते, सहेलियों के साथ अटखेलियां मारते, बेटी जब घर लौटती तो माँ की डांट पड़ती, तब बेटी को ऐसा लगता मानो वो उसका बचपन छीन रही है। लेकिन क्या ये सच है? और बेटी को एहसास हो गया कि वो माँ का विश्वास था जो उसमें खुद एक विश्वास कायम करने की कोशिश थी। और बेटी को एहसास हो गया कि माँ अनमोल है। और जब बात माँ की हो रही हो तो बात दिल से होती है। तभी तो कहता हूं दोस्तों, हमेशा आपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।